बिहार के भागलपुर जिले के सुल्तानगंज अजगैवी नाथ धाम उत्तरवाहिनी गंगा तट में ऐतिहासिक श्रावणी मेला और कांवड़ यात्रा की मंगलवार को विधिवत शुरुआत हो गई। सुल्तानगंज के अजगैवी नाथ धाम सीढ़ी घाट पर मंगलवार को मेले का आधिकारिक रूप से उद्घाटन हुआ। इस उद्घाटन में बिहार की राजस्व भूमि सुधार विभाग के मंत्री आलोक कुमार मेहता, कृषि विभाग के मंत्री सह जिले के प्रभारी मंत्री कुमार सर्वजीत ने सामूहिक रूप से मंत्रोच्चारण के साथ दीप प्रज्वलन कर इस दो महीने तक चलने वाले श्रावणी मेले की विधिवत शुरुआत की। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले का भागलपुर के सुल्तानगंज में आज विधिवत उद्घाटन हो गया है। बिहार के भूमि राजस्व मंत्री आलोक मेहता ने इसका उद्घाटन किया, साथ ही इस मौके पर भागलपुर के प्रभारी मंत्री भी मौजूद रहे और उनके अलावा बांका के सांसद और कई विधायक भी इस उद्घाटन समारोह में रहे। और भागलपुर के सुल्तानगंज के नमामि गंगे घाट पर ये उद्घाटन समारोह हुआ, जो अगले आने वाले लगभग 58 दिनों तक ये श्रावणी मेला चलेगा। वहीं विशेष अतिथि के रूप में बांका के सांसद गिरधारी यादव भी मौजूद थे। गौरतलब हो कि इस बार मलमास के चलते श्रावणी मेला 2 मास तक चलेगा। उद्घाटन सत्र के दौरान श्रावणी मेला पर आधारित चित्र पुस्तिका का सबों ने विमोचन किया। भागलपुर जिला के सुल्तानगंज अजगैवी नाथ धाम में मंगलवार को श्रावणी मेले के उद्घाटन में सूबे के कई मंत्री मौजूद थे। इस समारोह में राजस्व भूमि सुधार विभाग के मंत्री, कृषि विभाग के मंत्री सह भागलपुर जिला प्रभारी बांका सांसद गिरधारी यादव, MLC विजय कुमार सिंह, जिला परिषद अध्यक्ष अनंत कुमार, तारापुर विधायक राजीव कुमार, पीरपैती विधायक ललन पासवान, कमिश्नर, जिलाधिकारी, SSP, DDC, SDM के अलावे कई विधायक और सांसद के साथ साथ प्रशासनिक पदाधिकारी शामिल थे। जिला प्रशासन द्वारा श्रावणी मेले में कांवड़ियों के लिए हर मूलभूत सुविधाएं दी गई है, साथ ही सारी मुकम्मल व्यवस्थाएं की गई है। अजगैवी नाथ घाट से लेकर कई किलोमीटर तक कालीन बिछाए गए हैं। शौचालय, बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य सुविधाएं, ठहरने की व्यवस्था, सुरक्षा से लेकर कई व्यवस्थाएं दी गई है। सुल्तानगंज से देवघर तक दुकानें सज गई है। पूरा सुल्तानगंज भगवामय हो गया है और बोलबम के नारों से गुंजायमान है। श्रावणी मेला के अवसर पर विभिन्न सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र से लोग यहां पर उपस्थित हुए और श्रद्धालु जो यहां उपस्थित थे। यह बिहार का सबसे बड़ा श्रावणी मेला है और इसका उद्घाटन करते हुए मुझे काफी हर्ष है। सरकार ने इस वर्ष श्रावणी मेला में काफी व्यवस्था की है, खासतौर से पर्यटन विभाग की बड़ी भूमिका है इसमें, राजस्व विभाग भी उसमें शामिल है और कई विभागों के संयोग पूरा जिला प्रशासन इसमें लगा हुआ है और एक एक व्यक्ति, एक एक पदाधिकारी के साथ साथ विभिन्न वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन जो यहाँ पर कार्य कर रहे हैं इस पूरे रूट में, सुल्तानगंज से देवघर के रूट में जितने भी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं, इनके माध्यम से, स्वास्थ्य संगठनों के माध्यम से जन सुविधाएं, जन लोगों को, श्रद्धालुओं को सुविधा मिल रही है, उस तमाम लोगों को सरकार की बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। और इन भावनाओं का सम्मान होना चाहिए कि आज मैं देख रहा हूँ कि कई जगह पर विभिन्न धर्मों के लोग आगे आकर और इन श्रद्धालुओं का, इन कांवरियों का के मदद में आगे आ रहे हैं। यही तो गंगा जमुनी संस्कृति है इस देश की। लेकिन मन से जो सबसे खास बात आज सामने आई है, उसने बांका के सांसद गिरधारी यादव ने केंद्र सरकार पर करारा हमला बोला है और कहा है कि केंद्र सरकार ने अब तक बिहार की अनदेखी की है। इस मेले को राष्ट्रीय मेला का दर्जा देने के लिए वो लगातार मांग करते रहे हैं, लेकिन आज तक केंद्र सरकार पर जून नहीं रेंगी है। जब हमने खास सवाल किया उनसे कि आप इससे पहले गठबंधन में सरकार में थे भाजपा के साथ, तब क्यों नहीं इस मांग को उठाया था, उन्होंने कहा कि हमने लगातार इस बात को उठाया है लेकिन केंद्र सरकार इस पर कोई भी संज्ञान नहीं ले रही है और बिहार के साथ सौतेलापन वो कर रही है। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह पर भी उन्होंने जोरदार हमला बोला है और कहा है कि क्या कुछ उन्होंने बिहार के लिए आज तक किया है, इसके वो आम जनता के सामने इस बात को रखें कि क्या कुछ उन्होंने बिहार की जनता के लिए किया है। और सबसे अहम बात जो है कि भाजपा के 2 विधायक इस मंच पर मौजूद थे, पवन यादव और पीरपैती के इंजीनियर ललन पासवान, इनकी मौजूदगी में गिरधारी यादव ने जोरदार हमला बोला और ये मुँह छिपा के तमाम मीडिया कर्मियों से मुँह छिपाते हुए पवन यादव और इंजीनियर ललन पासवान निकल गए और मीडिया के सवालों से वो बचते दिखे। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ मिलिंद गुंजन, TV अंग प्रदेश, सुल्तानगंज, भागलपुर।
सावन महीने की आज से शुरुआत हो चुकी है और सुल्तानगंज अजगैबीनाथ धाम की धरती भगवामय हो चुकी है। देश के अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालुओं का जत्था सुल्तानगंज के उत्तर वाहनी गंगा तट पहुंच रहे हैं और यहां से जल भरकर वैद्यनाथ धाम के लिए रवाना हो रहे हैं। श्रद्धालु 105 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करते हुए 2 से 3 दिनों में देवघर पहुंचेंगे और वहां वैद्यनाथ बाबा पर जलाभिषेक करेंगे। कांवरियों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। सुल्तानगंज नमामि गंगे घाट श्रद्धालुओं से खचाखच है। श्रद्धालु बोल बम का जयकारा लगा रहे हैं। बता दें इस बार 2 महीने का सावन है, मलमास के कारण 2 महीने का सावन हुआ है। इस वर्ष 2 महीने में लाखों श्रद्धालु कांवर यात्रा करेंगे। सुल्तानगंज नमामि गंगे घाट मेला क्षेत्र कांवरिया पथ पर जिला प्रशासन की ओर से की गई व्यवस्था से कांवरिया श्रद्धालु खुश दिखे। चित्रकूट साहब कितना उत्साह है, कैसा लग रहा है? बहुत बड़ा उत्साह है, बहुत अच्छा लग रहा है, प्रभु की कृपा है। कब से आ रहा है? 7वां साल है। 7वां साल है। किस तरह से व्यवस्था है? पहले से व्यवस्था बढ़िया थी, बढ़िया आज भी बढ़िया व्यवस्था है, पहले से अच्छी है। कितने दिन में पहुँचेंगे? 4वें दिन चढ़ाएंगे। जब मनोकामना पूरी होती है? बिल्कुल पूरी होती है, सब पूरी होती है। कितना उत्साह है? बहुत बड़ा उत्साह है, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आनंद ही आनंद है, परम आनंद है। शिवचंद्र पाटिल, कैसी यात्रा होगी? बहुत अच्छी यात्रा होती, परम आनंद के साथ यात्रा होगी। पहले भी गए हुए हैं हम, बहुत दिन से जा रहे हैं कांवरिया। हम 2003 से जा रहे हैं, तो पहले से अभी जो है भीड़ भी बढ़ गई है। पहले बहुत कम लोग थे, मगर अब व्यवस्था भी बढ़ गई, भीड़ बढ़ गई, दोनों हो गया। कांवरिया पथ में कितना बदलाव आया? बहुत अच्छा हो गया, पहले से 100% बढ़ गया। पहले अगर 1 रुपया था, अब 100 रुपया हो गया। अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, जबरदस्त उत्साह, बहुत बढ़िया, बड़ी व्यवस्था अच्छी है। कितने लोग का जत्था चल रहा है? हम लोगों का 20 लोगों का जत्था है। 20 लोगों का जत्था है। कहाँ से? हम लोग चित्रकूट से आए हैं। आपके शहर भागलपुर में स्पाइकर के एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम में इस सीजन का सबसे धमाकेदार ऑफर, buy 2 get 2, buy 1 get 20% डिस्काउंट, buy 2 get 30% डिस्काउंट। यहां आपको स्पाइकर के शर्ट, जीन्स, टी शर्ट के लेटेस्ट डिजाइन के अलावे बेल्ट, डियो, परफ्यूम भी मिलता है। तो चले आइए स्पाइकर के एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम में और इस शानदार ऑफर का लाभ उठाएं। तो आज ही पधारें स्पाइकर एक्सक्लूसिव शोरूम, पटल बाबू रोड, रिलायंस ट्रेंड्स के सामने, भागलपुर। आपके शहर भागलपुर का पसंदीदा शोरूम डी कोट लेकर आया है इस सीजन का सबसे बम्पर धमाकेदार ऑफर, buy 1 get 3, buy 2 get 4, buy 1 get 50% डिस्काउंट। डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर, कपड़ों की दुनिया के जाने माने नाम डोनियर की फैशनेबल प्रस्तुति डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर, मैंस वियर की दुनिया का एक भरोसेमंद नाम डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर। यहां आकर्षक रंगों और नए ट्रेंडी डिजाइन में पुरुषों के कपड़ों की भव्य रेंज उपलब्ध है। डेनिम, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर, पैंट, जैकेट, ट्रैक पैंट, लोअर सहित मेंस पार्टी वेयर, फॉर्मल वेयर की विशाल श्रृंखला मिलेगी, वो भी बिल्कुल नए डिजाइन और रंगों के साथ। तो चले आइए डी कोट और लगन के मौसम में इस भारी छूट का लाभ उठाएं। हमारा पता है डी कोट, पटल बाबू रोड, स्पाइकर शोरूम के बगल में, रिलायंस ट्रेंड्स के सामने, भागलपुर। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। सुल्तानगंज में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला को लेकर श्रम संसाधन विभाग के द्वारा सुल्तानगंज स्टेशन परिसर से नमामि गंगे घाट तक कौशल विकास केंद्र की सैकड़ों छात्र एवं छात्राओं द्वारा
जागरूकता रैली निकाली गई। कार्यक्रम का नेतृत्व बाल श्रम आयोग के अध्यक्ष चक्रपाणि हिमांशु ने की। इस कार्यक्रम में नियोजन विभाग के डिप्टी कलेक्टर भरत जी राम, भागलपुर कौशल युवा केंद्र के संचालक विजय आनंद, कौशल युवा केंद्र सुल्तानगंज के संचालक किशन सिन्हा, कौशल युवा केंद्र के संचालक विजय आनंद, कौशल युवा केंद्र सुल्तानगंज के संचालक किशन सिन्हा, कौशल जिला प्रबंधक विश्वजीत कुमार, भागलपुर श्रम अधीक्षक विनोद प्रसाद, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी सुल्तानगंज अभिनव आलोक, कहलगांव की नीतू कुमारी, जगदीशपुर के मनोरंजन कुमार, कौशल विकास केंद्र ब्लॉक सेंटर के कोऑर्डिनेटर चंदन कुमार सहित कौशल युवा के छात्र एवं छात्राओं ने श्रावणी मेला में बाल श्रम मुक्त होने का नारा लगाते हुए पैदल नमामि गंगे घाट पहुंचकर समापन किया। इस दौरान बाल श्रम आयोग के अध्यक्ष चक्रपाणि हिमांशु ने मीडिया को बताया कि बाल श्रम कराना कानूनी अपराध है। श्रावणी मेला में कोई भी दुकानदार बाल श्रम कराते हैं तो उस पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सुल्तानगंज की अजबी पवित्र धरती पर सुल्तानगंज वासियों से, देशवासियों से और सभी सामाजिक संगठनों से, राजनीतिक संगठनों से अपील करता है कि बच्चे से बाल श्रम नहीं कराना, क्योंकि बाल श्रम कराना कानूनन अपराध है। जिस तरह से अपने बच्चे के निर्माण के लिए सारी शक्ति लगा देते हैं, उसी तरह दूसरे के बच्चे को भी अपना बच्चा समझ करके उससे बाल श्रम नहीं कराते, उसको विद्यालय की ओर भेजने के लिए प्रेरित करें। आज हम लोग भागलपुर स्टेशन में सुल्तानगंज स्टेशन चौक से और स्टेशन परिसर से होते हुए हम लोग चौक, उसके बाद जहाज घाट तक हम लोग जो है पदयात्रा करके प्रभात फेरी निकाले और जिस और लोगों से अपील भी किए कि बाल श्रम अपने ही सभी दुकानदार भाइयों से सामाजिक लोगों से आग्रह किया कि बाल श्रम पर आपको रोक लगाएं। सुल्तानगंज श्रावणी मेला को बाल श्रम मुक्त होने के लिए हमारे बिहार राज्य के बाल श्रमिक आयोग के अध्यक्ष चक्रपाणि हिमांशु सर के नेतृत्व में एक प्रभात फेरी निकाली गई है, जिसमें KYP के सभी छात्र छात्रा भाग लिए हुए हैं। सुल्तानगंज के श्रावणी मेला की शुरुआत को लेकर सदर SDO धनंजय कुमार के द्वारा थाना रोड से लेकर अजगैबीनाथ गंगा घाट, नमामि गंगा घाट तक अतिक्रमण मुक्त करने के लिए पैदल मार्च स्थानीय पदाधिकारियों के द्वारा निकाला गया। इस दौरान सदर SDO धनंजय कुमार ने माइकिंग करते हुए पूरे शहर में सभी दुकानदारों को नाला के अंदर दुकान रखने का निर्देश दिया। जो भी अगर दुकानदार श्रावणी मेला में नाला के बाहर दुकानदार लगाएंगे तो उसे जुर्माना करते हुए कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर सभी दुकानदारों में हड़कंप मच गया है। सभी दुकानदारों ने आनन फानन में नाले के अंदर दुकान कर लिया। कई दुकानदार को फाइन करते हुए दंडित भी किया गया। इस दौरान SDO धनंजय कुमार ने मीडिया को बताया कि कोई भी दुकानदार नाला पर दुकान लगाएंगे तो उसे दंडित करते हुए कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान CEO अमित राज, BDO मनोज कुमार मुर्मू, थाना अध्यक्ष प्रियंजन कुमार सहित पुलिस बल मौजूद थे। ये हम लोगों ने आज माइकिंग करके इंश्योर कराया है कि सभी दुकानदार अपने दुकान के अंदर ही सामान रखेंगे, और इसके बावजूद भी अगर देखा जाता है कि वो रोड पे या फिर नाले पे अपना सामान रखते हैं तो नगर निगम के द्वारा उनको फाइन भी किया जाएगा, साथ ही साथ उनका सामान भी जब्त किया जाएगा। भागलपुर में दो कांडों का पुलिस ने सफल उद्भेदन करते हुए अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इसकी सूचना SSP आनंद कुमार ने प्रेस वार्ता कर दी। उन्होंने बताया कि 2 जुलाई से 4 जुलाई तक विशेष समकालीन अभियान निर्धारित किया गया था। इस अभियान के क्रम में गुप्त सूचना के आधार पर भागलपुर के टॉप 10 की सूची में शामिल कुख्यात अपराध कर्मी विक्रम यादव, जिसके विरुद्ध कई लूट, डकैती, हत्या, अपहरण जैसे मामले दर्ज है, इसके नाम से पूरे शहर में दहशत फैला हुआ है। पुलिस ने उसके सहयोगियों के साथ और हथियार के साथ उसे धर दबोचा। गिरफ्तार अपराधियों में विक्रम यादव, छोटू कुमार और दीपक कुमार है, जिसके पास से 2 देसी कट्टा, 1 देसी सिक्सर, आधा दर्जन से अधिक जिंदा गोली बरामद किया गया। वहीं दूसरी ओर 2 मोटरसाइकिल पर सवार 4 अज्ञात अपराधियों के द्वारा 30 जून को मनीष कुमार से नगद 4,70,200 रुपये सहित मोबाइल व अन्य सामान हथियार के बल पर अपराधियों द्वारा छीन लेने के संबंध में मनीष कुमार गुप्ता के द्वारा लिखित आवेदन शाहकुंड थाने में दी गई थी। गंभीरता से इस पर विचार करते हुए पुलिस के द्वारा एक टीम गठित की गई और वैज्ञानिक अनुसंधान के क्रम में मनीष गुप्ता खुद इसके दोषी पाए गए। जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि मैंने ही केस झूठा दर्ज कराया था, क्योंकि महाजन के द्वारा पैसे का तगादा किया जा रहा था। महाजन को तत्काल पैसे देने से बचने के लिए मैंने स्वयं इस घटना की कहानी बनाई और केस दर्ज कराया। वहीं जिस मोबाइल से मनीष गुप्ता ने यह जानकारी दी थी उस मोबाइल को ही उसने तोड़कर फेंक दिया था। वहीं पुलिस ने मनीष कुमार के द्वारा फेंका मोबाइल बरामद कर लिया और पुलिस के द्वारा मनीष कुमार गुप्ता के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। प्रेस ब्रीफिंग बुलाई गई है, उसमें मुख्य रूप से 2 विषय पर आपसे बात करेंगे।
पहला तो दो दिन पहले, तीन दिन पहले शाहकुंड में एक व्यक्ति के द्वारा लूट का कांड दर्ज कराया गया, जिसमें उनके द्वारा दावा किया गया कि चार अपराधियों के द्वारा उनसे लगभग 4,77,000 रुपये शाहकुंड और अकबर नगर के बॉर्डर पे लूट लिया गया। और इस घटना की सूचना मिलने के बाद एसटीपीओ और एसएचओ ने मौके पर पहुँच के मुआयना किया और पूरे घटना के उद्भेदन के लिए एक टीम बनी, जिसने अपना कार्य परंपरागत तरीके से और वैज्ञानिक अनुसंधान से कार्य प्रारंभ किया, जिसमें वादी से भी कई बार पूछताछ हुई किस तरीके से घटना कारित की गई। इसमें उन्होंने बताया कि पैसे के साथ साथ उनका मोबाइल भी लूटा गया था और अनुसंधान के क्रम में उनकी कही गई बहुत सारी बातों में विरोधाभास दिखा और उसका सत्यापन किया गया तो पाया गया वो बहुत सारी चीज़ें गलत बता रहे हैं। जब उनसे पुनः पूछताछ हुई तो उन्होंने बताया कि नहीं, जो मैंने कांड दर्ज कराया है वो मैंने गलत दर्ज कराया है और वादी के ही बयान के आधार पर जो उनसे लूटा हुआ मोबाइल था वो हबीबपुर थाना क्षेत्र में पुलिया के नीचे से टूटी हुई अवस्था में बरामद किया गया। पूछताछ करने पर यह पता चला कि ये जो पूरे घटना का जो प्रपंच रचा गया था वह एक इनके महाजन हैं जो शहर में अलीगंज में उनकी दुकान है जहाँ से अपना माल का उठाव करते थे, वहाँ से लगभग 15 लाख रुपये का कर्ज हो गया था। तो उस कर्ज में कुछ रियायत और समय के कुछ मोहलत पाने के लिए ये पूरे घटना का प्रपंच रचा गया और इस प्रकार इस पूरे घटना का भागलपुर पुलिस के द्वारा, जिसमें एसडीपीओ डॉन रोड के नेतृत्व में टीम बनी थी, उसने पर्दाफाश किया है और जो वादी हैं उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। दूसरा जो एक बड़ी सफलता भागलपुर पुलिस को मिली है तो इस पूरे इलाके का, जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं सुल्तानगंज, कुख्यात अपराधी विक्रम यादव जो कि सीढ़ी घाट के आसपास का रहने वाला है, जो कि पिछले 6 माह से कई घटनाएं कर कारित करके और फरार था, उसको हम लोगों ने कल घोरगढ़ के पास से उसके दो साथियों के साथ गिरफ्तार किया है, जिसमें कि दो देसी पिस्टल और एक देसी रिवॉल्वर और 8 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। वह पुनः एक घटना कारित करने के फिराक में था और विक्रम यादव जो टॉप 10 भागलपुर की जो सूची है अपराधकर्मियों की उसमें शामिल रहा है और उसमें उसके ऊपर पूर्व में हत्या के 3, हत्या के प्रयास के 1, आर्म्स एक्ट के 1, अपहरण का 1 और पुलिस पर हमले का 1 कांड में वो वांछित रहा है। और इस पिछले 15 दिनों में भागलपुर पुलिस के द्वारा टॉप 10 में शामिल कुल 4 अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें यह चौथी गिरफ्तारी कल हुई है विक्रम यादव की। इसके पूर्व में भी एक संगम, जिसको कि औद्योगिक थाना क्षेत्र से पकड़ा गया, टॉप 10 में शुमार था, एक कपिल यादव जिस पर कुल 24 कांडों में वो वांछित था, जिसमें लूट के 9 कांड थे और हत्या के 1 कांड थे, डकैती का 2 कांड था, आर्म्स एक्ट का 8 कांड था और अन्य 4 कांड और एक अन्य महत्वपूर्ण अभियुक्त जो बाबर, जो कि एक्सप्लोसिव एक्ट बम कांड के एक कांड में आरोपी था, उसकी भी गिरफ्तारी हुई है। उसके ऊपर भी पूर्व में 4 कांड में वांछित था, जिसमें PNDPS एक्ट के 1 कांड और एक्सप्लोसिव एक्ट और आर्म्स एक्ट के 3 कांड में वांछित रहा है। इस प्रकार भागलपुर पुलिस के द्वारा इस श्रावणी मेला के पहले पिछले कई दिनों से अपराधकर्मियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा था और जहाँ पर श्रावणी मेला का जो मुख्य स्थल है वहाँ का एक कुख्यात अपराधी पकड़ा गया है। इससे हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि जो श्रावणी मेला होगा वो अत्यंत शांतिपूर्वक गुजरेगा और हम लोग इसको बहुत ही बेहतर तरीके से संपन्न। साइबर क्राइम कंट्रोल को लेकर नवगछिया पुलिस जिला के पुलिस पदाधिकारियों को ट्रेंड किया जा रहा है। इसको लेकर पटना से आए साइबर एक्सपर्ट दीपक कुमार के द्वारा पुलिस पदाधिकारियों को नवगछिया में ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग के बाद पुलिस पदाधिकारियों को एक परीक्षा से भी गुजरना पड़ रहा है। पुलिस पदाधिकारियों को ट्रेनिंग के बाद परीक्षा के माध्यम से उनकी जानकारी भी आंकी जा रही है। राज्य में साइबर अपराध की घटनाएं जिस तरह से बढ़ती जा रही है, इससे मुकाबला करने के लिए पुलिस महकमा में कई स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई है। इसमें दरोगा से लेकर DSP तक के पदाधिकारियों को ट्रेनिंग देना सबसे महत्वपूर्ण है। आर्थिक अपराध इकाई EOU के सभी अधिकारियों के द्वारा विशेष ट्रेनिंग कार्यक्रम तैयार किया गया है।
अब तक दरोगा से लेकर डीएसपी रैंक के पदाधिकारियों को साइबर ट्रेनिंग दी गई। नवगछिया एसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि ट्रेनिंग के दौरान साइबर अपराध के बारे में जानने के साथ उसे कैसे उद्भेदन किया जाए और अपराधियों को कैसे पकड़ा जाए इसके बारे में बताया गया। बता दें कि साइबर अपराध में काफी बढ़ोतरी के बाद सरकार ने पुलिस पदाधिकारियों को ट्रेंड करने के लिए कार्य किए जा रहे हैं। अक्सर साइबर अपराध के बाद पुलिस मात्र एफआईआर दर्ज करने तक ही फिलहाल सीमित रह जाती है। टाउन थाना समेत जिले के विभिन्न थाना में सैकड़ों साइबर अपराध के केस पेंडिंग पड़े हुए हैं। नवगछिया सहित पूरे बिहार में साइबर थाना भी खोला गया है। साइबर मामले का केस होने के बाद आईओ बदल जाते हैं, लेकिन मामले में कोई सफलता पुलिस को नहीं मिलती। साइबर अपराध होने के बाद पुलिस में केस करने में भी पीड़ितों को काफी हिलहुज्जत होती है। काफी प्रयास के बाद पीड़ित अगर केस दर्ज करने में सफल हो जाते हैं तो उन्हें कोई फायदा नहीं दिखता। समय गुजरने के साथ केस भी फाइलों में बंद हो जाती है। नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज ने कहा कि साइबर क्राइम को लेकर दो बातें हैं। पहला है जागरूकता। हमारी पुलिस प्रशासन साइबर क्राइम के बारे में जागरूक हो, जो ज्ञान यहाँ पर अर्जित करेंगे वो अपने अन्य पदाधिकारियों को, अपने घर वालों को, अपने समाज को बताएंगे, ताकि साइबर ठगी से बचा जा सके। दूसरा पहलू है, यहाँ जो भी पुलिस पदाधिकारी हैं, साइबर क्राइम से जुड़ा हुआ जो भी जांच हो वो बारीकी से इन लोगों को जानकारी दी जा रही है। इससे हमारे दो फायदे हैं, पहला होगा जागरूकता, दूसरा होगा जांच। कि साइबर क्राइम को लेकर दो बात है ना, पहला है जागरूकता, हमारे पुलिस पर्सनल साइबर क्राइम के बारे में जाने, जागरूक हो, और जो यहाँ पर ज्ञान वो अर्जित करेंगे वो अपने अन्य पदाधिकारी को भी, अपने घर वाले को भी, अपने समाज को भी बतावेंगे, ताकि वो साइबर ठगी से बच सके। दूसरा पहलू है, यहाँ सभी पुलिस पदाधिकारी हैं, उन्हें इन्वेस्टिगेशन करना होता है, तो साइबर क्राइम से जुड़ा हुआ जो भी पहलू है इन्वेस्टिगेशन का, वो बारीकी से लोगों को जानकारी दी जा रही है। ये दीपक जी हैं जो साइबर एक्सपर्ट हैं, अच्छे जाने माने ये हैं, तो हम लोग उसी पे ट्रेनिंग दे रहे हैं। इस ट्रेनिंग में हमारे जितने भी अनुसंधान इकाई के पदाधिकारी हैं, थाना प्रभारी हैं, अपर थाना प्रभारी हैं, यह जो सिपाही भी हैं, जो सिपाही जिन्हें इंटरेस्ट है साइबर के मामले में या स्मार्ट मोबाइल फ़ोन के मामले में, उनको भी बुलाया गया है। काफ़ी संख्या में लोग हैं, लगभग 125 से कम लोग नहीं हैं, वो लोग जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, जिससे हमारे दो फायदे होंगे। हमने पहले कहा, एक होगा जागरूकता होगा, दूसरा होगा इन्वेस्टिगेशन का।